हादसे में माँ बाप और बहन की हुई मौत। दहल गया पहाड़। पहाड़ी सड़कों में हादसों की कड़ी में एक और हादसा जुड़ गया है। अल्मोड़ा में एक कार 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। दर्दनाक हादसे से पूरा पहाड़ दहल गया है। पहाड़ी सड़कों पर हादसों की घटना आम होती जा रही है, लेकिन इस घटना से एक परिवार के 3 लोग और एक बच्चे के माँ बाप और बहन शिकार हो गए हैं। मिली जानकारी मुताबिक सेंट्रो कार रुड़की से देघाट की ओर जा रही थी और कार में एक ही परिवार के 4 सदस्य पति पत्नी और उनके 2 बच्चे सवार थे। गाड़ी जैसे ही श्यालदी के पास पहुंची तो अचानक कार चालक गाड़ी से नियंत्रण खो गया और गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गहरी खाई में ही चीख पुकार मचने लगी। दर्दनाक हादसे से खाई में ही पति पत्नी और बेटी ने दम तोड़ दिया। वहीं बेटा घायल हो गया। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया बिखर गई। माँ बाप एक साथ खाई में समा गए और साथ में बहन ने भी हादसे में जान गंवा दी। घटना की सूचना मिलते ही SDRF और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और खाई में रेस्क्यू अभियान चलाया। इस दौरान पहले घायल बच्चे को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा गया और फिर खाई से 3 शवों को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। शव निकालकर SDRF जवानों ने 3 शवों को जिला पुलिस को सुपर्द किया। मृतक हरिद्वार के सिविल लाइन रोड की दिल्ली रोड मोहनपुरा के रहने वाले बताए गए हैं। मृतकों की शिनाख्त मुनिंद्र सिंह, शशि सैनी और अदिति के रूप में हुई है। वहीं घायल अर्णव जो कि 11 साल का है, उसके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। हादसे के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन इस हादसे से पूरा पहाड़ दहल उठा है। हर कोई इस खबर को सुनकर हताश हो गया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जाँच में जुट गई है और मृतकों के परिजन मातम मना रहे हैं। पहाड़ी सड़कें हर बार सावधानी बरतने को कहती है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। अल्मोड़ा से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।